Welcome students. So now we will discuss some miscellaneous advanced level problems on nth roots of unity. So हम लोग कुछ miscellaneous problems advanced level के problems discuss करने वाले हैं on nth roots of unity पे. So let us discuss the first problem. तो first problem क्या है? First problem है if 1 alpha 1 alpha 2 alpha 3 up to alpha 8 ये 9th roots of unity है. 9 कैसे? 1 से start करने हम लोग 1 ये एक रियल वाला और ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा 9 अल्फा 8 ये इमेजिनरी वाले तो ये 9th रूट्स ऑफ यूनिटी है. सो हमें इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है. आप 2 मिनट का टाइम लेके इस प्रॉब्लम को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं. देन वी विल डिस्कस हाउ दिस प्रॉब्लम इज अप्रोच्ड. और ये ज्योमेट्रिकल जो भी हमने अब तक पढ़ा है बेसिकली पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर अब आप जो भी जानते हो वो यूज करके इसको प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हो. सो इफ यू हैव अटेम्प्टेड दिस प्रॉब्लम लेट अस डिस्कस इट. So, यहां पे बात हो रही है 9th roots of unity की. 9th roots of unity की. So, if we are talking about 9th root of unity, so हम लोग z power 9 equal to 1 इस equation की बात कर रहे हैं. Correct? z की power 9 ऐसा complex number z जिसके 9th power 1 होती है. तो इसके 9 roots जो होंगे, that 9 roots are 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha 8. And we know that geometrically, हम जानते हैं कि इसको हम लोग generally कैसे represent करते हैं 1, alpha, alpha square, alpha cube, up to alpha power 8. और properties क्या क्या जानते हैं हम लोग कि ये alpha एक ऐसा number होगा जिसके लिए alpha power 9 1 होगा. And second thing we know that is 1 plus alpha square up to alpha power 8, sum of all the roots will be 0. अब तक हमने सारे problems को इन्हीं पे based किया है. Now the point is, ये सब चीजें तो हम already जानते हैं. ठीक ये बेसिक है. अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 2 माइनस अल्फा 1 2 माइनस अल्फा 3 2 माइनस अल्फा 5 2 माइनस अल्फा 7. सो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं. एंड फर्दर फैक्टराइजेशन करके भी हमने कुछ बात की थी तो दोनों को कनेक्ट करते हैं. सो इफ वी नो दैट z पावर 9 इक्वल टू 1 की ये सब रूट्स है कीपिंग ऑल दीस थिंग्स इन माइंड नाउ आई एम राइटिंग द फैक्टराइजेशन. तो मैं फैक्टराइजेशन कैसे तोड़ के लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि z पावर 9 माइनस 1 ये जो पॉलिनोमियल है दिस विल बी आइडेंटिकली इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल विल बी आइडेंटिकली इक्वल टू द 9 फैक्टर्स जो ये इसके 9 रूट्स होंगे इसके 9 लीनियर फैक्टर्स में हम लोग तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं. करेक्ट? z माइनस अल्फा 8 z माइनस अल्फा 9 तो सॉरी अल्फा 8 तक ही जाएगा 1 से स्टार्ट किया तो ये 9 लीनियर फैक्टर्स होंगे. Where alpha 1, alpha 2, alpha 3 are basically alpha, alpha square, alpha cube and so on. So, ये तो हमने लिख लिया. अब अपने को पता है leading coefficient 1. तो अपने को पता है, sir, we want to generate these type of expressions. तो हम क्या करेंगे? हम इसमें z की value डालेंगे 2. z equal to 2 डालने पे क्या बनेगा? 2 power 9 minus 1 equal to 2 minus 1, 2 minus alpha 1, 2 minus alpha 2 and so on up to 2 minus alpha 8. हम लोग ऐसा क्यों डाल रहे हैं z की वैल्यू 2? बिकॉज दिस फैक्टराइजेशन इज एन आइडेंटिटी. हम कोई भी मनपसंद z डाल सकते हैं. z इक्वल टू 2 कुछ मिलता जुलता एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा है. सो ये हो जाएगा 512 माइनस 1 दैट इज 511 और यहां पे बचेगा दीस नंबर्स 2 माइनस अल्फा 1 2 माइनस अल्फा 2 2 माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन अप टिल 2 माइनस अल्फा 8. हमें मॉड्यूलस लेना है. We want to take modulus, so we can simply say taking modulus on both sides. Now the point is modulus है वो multiply में बढ़ जाता है. तो इन सब को multiply करके modulus 2 या individually modulus लेके multiply करूं same आएगा. So एक step और हम extend कर सकते हैं. हम बोलेंगे 2 minus alpha 1 का mod, 2 minus alpha 2 का mod, 2 minus alpha 3 का mod and so on. Now the point is कि सर ये तो ठीक है पर इसने सारे थोड़ी ना दिए हैं. देखो अल्फा 1 दिया है, अल्फा 2 इज मिसिंग, अल्फा 3 दिया, अल्फा 4 इज मिसिंग, 5 दिया, 6 इज मिसिंग, 7 दिया, 8 इज मिसिंग. व्हाट अबाउट द मिसिंग वंस? जो मिस हो रहा है वो तो फिर हम लोग इसमें मतलब कैसे उसमें कंपनसेट करें? सो नाउ यू हैव टू थिंक ज्योमेट्रिकली कि ये जो हम सब लिख रहे हैं दीज एक्सप्रेशंस व्हाट डू दे मीन ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली क्या इंप्लाई करता है. सो आइए हम लोग नाइंथ रूट्स पे बात कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि नाइंथ रूट्स ऑफ यूनिटी जो है ऑल द सॉल्यूशंस विल लाई ऑन अ सर्कल. मॉड z इक्वल टू 1 सर्कल पे सब लोग लाई करेंगे. करेक्ट? सो इफ आई वांट टू प्लॉट देम व्हाट आई विल डू इज दिस इज
first solution one. फिर we want to get ninth roots of unity, तो पूरे circle के nine parts होंगे, उस pizza के nine equal slices होंगे. So 2π/9 after one rotation of 2π/9 we will get our first root alpha 1. This is 1, this is alpha 1. Then 4π/9 पे alpha 2, 6π/9 पे alpha 3, 8π/9 पे alpha 4, then 10π/9 alpha 5, 12π/9 alpha 6, 14π/9 alpha 7, and last 16π/9 पे alpha 8, और उसके बाद 18π/9 जो होता है वो 1 itself होता है, 2π angle is 1. तो ये अपना basic जो है rotation है. See, or we know that, because I know that कि all the imaginary roots will occur in conjugate pairs, so there were 9 roots, 9 roots थे, एक 1 था. 1 के अलावा जो 8 लोग हैं, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, 5, 6, 7, 8, because I know in hand, before in hand कि वो conjugate pairs में होंगे, इसलिए मैंने alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 तो ढंग से plot किए, 2π/9, 4π/9, 6π/9, 8π/9, 8π/9 के बाद जब 10π/9 आएगा, तो 8π/9 और 10π/9 में क्या फर्क है? Pi से π/9 ऊपर और π/9 नीचे है. ठीक? Read the numbers. What the numbers I am saying? Please understand them. So ये दोनों हो जाएंगे conjugate pairs. These two are conjugate pairs. These two are conjugate pairs. Mirror image in x-axis. These two are conjugate pairs. These two are conjugate pairs. Basically जो circle बना है ना, ये x-axis या real axis के अबाउट बिल्कुल symmetric होगा. ये सारे के वेक्टर्स जो रहेंगे x-axis के अबाउट एक दूसरे के मिरर इमेजेस टाइप के रहेंगे. सो नाउ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये जो हमने देखा है, व्हाट डस ऑल दिस एक्सप्रेशन मीन ज्योमेट्रिकली? डिस्टेंस फार्मूला इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, करेक्ट? ये क्या सिग्निफाई करता है? मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस अल्फा 1 मींस डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा 1. इसमें 2 कहां होगा? यहां नहीं होगा, 2,0. दिस पॉइंट विल बी 2,0, करेक्ट? क्योंकि बिकॉज 2,0 इज ऑन द एक्स एक्सिस, 2,0 इज ऑन द एक्स एक्सिस, क्या आपको नहीं लगता कि जो अल्फा 1 की दूरी होगी 2,0 से, वही अल्फा 8 की भी दूरी होगी? 2,0 का डिस्टेंस अल्फा 1 से एंड डिस्टेंस ऑफ 2,0 फ्रॉम अल्फा 8 विल बी सेम. इन शॉर्ट वी कैन से दैट दिस नंबर एंड दिस नंबर इज सेम, अ सेम रियल नंबर. अगेन बिल्कुल सेम है अगर आप समझते हैं. So 2,0 distance from the alpha 2, distance between alpha 2 and 2,0 will be same as the distance between alpha 7 and 2,0. It is geometrical result. तो इसके और इसके बीच में जो distance होगा वही alpha 7 और 2,0 के बीच में होगा. तो मैं ये बोल सकता हूँ this number, और यहाँ पे अगर एक होता, यहाँ पे एक और होता ना 2 minus alpha 7, तो ये दोनों equal होते हैं, ये दोनों numbers equal होते हैं. So we can say that we have observed pairs, distance of alpha 1 from this and distance of alpha 8 from this is same, similarly alpha 2 ye. To required expression banao aur bache rahegi, jodi bana do. Theek, what I am saying is, kya question pucha tha humse? Humse pucha tha mod of 2 minus alpha 1, mod of 2 minus alpha 3, mod of 2 minus alpha 5 and mod of 2 minus alpha 7, correct? This expression was asked, correct? ये पूछा था और अपने को दिया हुआ ये है. तो actually जो बचे हुए हैं वो जोड़ी में तो हैं. जैसे यहाँ पे इस discussion में, in this expression, 2 minus alpha 2 is missing. 2 minus alpha 2 means this distance is missing. But this distance is equal to 2 minus alpha 7. 2 minus alpha 7 है और 2 minus alpha 2 नहीं है. ठीक, तो एक extra term यहाँ पे, एक extra term है ये वाली. इस expression में ये वाली term एक और बार आ गई. फिर 2 minus alpha 4 is missing here and 2 minus alpha 4 is extra. But 2 minus alpha 4 का मतलब 2 का alpha 4 से दूरी is same as 2 का alpha 5 से दूरी, correct? So 2 की alpha 5 से दूरी. In short, what I want to say is यहाँ पे 8 distances, 8 distance formula, इसका इन सारे points से जो distance है, ऊपर से जितना distance है वही नीचे से होगा. In short, this expression is written twice.
This expression is written two times here, but फरक ये है, alpha 1 का जोड़ीदार alpha 8 लिखा है, alpha 3 का जोड़ीदार कौन होगा भाई, alpha 3 का जोड़ीदार alpha 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर alpha 5 का जोड़ीदार लिखा है alpha 4 and alpha 7 का conjugate लिखा हुआ है alpha 2. So final answer which I will report is square root of 511. Why square root of 511? Because this expression multiplied by this expression should be 511. That's why. समझ में आया? ठीक. Geometry और factorization को mix करके बहुत प्यारा question बना है और ऐसे ही question IIT advance पूछता है. इसी को हम continue करते हैं. एक second problem लेते हैं. Miscellaneous problems discuss करना है हम लोग. ठीक. We are discussing advanced level miscellaneous problems on the nth rules of unity. Second problem आप लोग try कर सकते हैं अगर आप try कर चुके हैं. So let us discuss it. सेकेंड प्रॉब्लम इज एक इक्वेशन दिया हुआ है 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब अप टू जेड पावर 50 इक्वल टू 0. द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा 50. अ 50 डिग्री इक्वेशन अ 50 डिग्री पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0. रूट्स आर गिवन एंड देन वी हैव टू इवैल्यूएट an expression. See, तो हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? ये GP है, z power 51 minus 1 upon z minus 1 के बराबर होगा, ये equal to 0, where z is not equal to 1. ये चीज बताई थी ना आपको एक बार पहले भी. हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? 50th roots of unity की बात कर रहे हैं, 51st root of unity की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं 51th root of unity की. हम लोग बात कर रहे हैं n बराबर 51 के लिए. N is equal to 51. So what we will say is, ये जो सारे numbers हैं, these numbers are in GP. These numbers will be called alpha, alpha square, alpha cube, up to alpha power 50, where sum of all these numbers will be 0, and alpha power 51 will be equal to 1. Getting my point? मैं हर बार यही expression लिखता हूँ, क्योंकि सारे question इसी के आसपास घूम के solve होते हैं. So ये दो properties हम लोग जानते हैं. Now let us focus on the required expression. जो हमसे पूछा है उस पे हम लोग focus करते हैं. क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है sigma 1 upon, ये पूछा है 1 upon alpha 1 minus 1 plus 1 upon alpha 2 minus 1 plus 1 upon alpha 3 minus 1 plus up to similarly 49 and last 50. ठीक, कुछ इस तरीके से हमें पूछा है. सो इफ यू आर गेटिंग द पॉइंट कि जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, व्हाट वी डिड वाज वी फॉर्मड पेयर, वी फॉर्मड कॉन्जुगेट पेयर्स, जोड़ी बनाई. अब इसमें दिक्कत ये है ना, अगर आप डायरेक्ट एलसीएम लेते हो, इफ यू टेक डायरेक्टली द एलसीएम, इट विल बी वेरी वेरी लॉन्ग कैलकुलेशंस, इट विल बी हार्ड टू टैकल. सो द ट्रिक ऑफ द प्रॉब्लम और द क्या बोल सकते हैं, ताले वाला सवाल, अगर ये ताला है तो इसकी चाबी जो है वो चाबी है कॉन्जुगेट पेयर्स, जोड़ी बनाना. व्हाट वी विल डू इज we will take first term and we will take last term and we will analyze it. क्यों ना हम first और last term को पहले लेके analyze करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं. So क्या होगा first और last term को लेके analyze करने से, थोड़ा समझते हैं. आइए, तो अगर मैं क्यों ले रहा हूं मैं first और last term, क्योंकि ये conjugate pairs हैं, ये conjugate complex numbers हैं. So I am taking 1 upon alpha 1 minus 1 plus 1 upon alpha 50 minus 1. क्या है इनकी values? अल्फा 1 का मतलब है अल्फा, अल्फा 50 का मतलब है अल्फा की पावर 50, यही है ना. द रूट्स आर इन जीपी, दैट्स व्हाई. तो आई हैव टेकन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ओनली, मैंने फर्स्ट और लास्ट टर्म लिए, करेक्ट, ये मैंने कर दिया. फिर व्हाट विल बी द एलसीएम, दो नंबर्स में एलसीएम लेना इज वेरी इजी, करेक्ट. सो हमने एलसीएम लिया एंड वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस. लेट अस मल्टीप्लाई दीस टू नंबर्स एंड ऐड दीस टू नंबर्स. सो ऊपर ऐड करके क्या आएगा, अल्फा पावर 50 प्लस अल्फा माइनस 2. थिंक अबाउट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में दीस टू विल बी मल्टीप्लाइड, अल्फा पावर 51 माइनस अल्फा पावर 50 माइनस अल्फा एंड फाइनली प्लस 1. व्हाट आर वी गेटिंग, ठीक, थिंक अबाउट दिस, व्हाट आर वी गेटिंग हियर. So in the numerator it is written alpha power 50 plus alpha minus 2
in the denominator is it is written alpha power 51, alpha power 50, alpha power 1 and 1. ये क्या है? ये किसके बराबर होता है? क्या ये 1 के बराबर नहीं होता? Alpha power 51 is equal to 1. Correct? So what we will write is, ये लिखा है 1 minus alpha power 50 minus alpha plus 1. ध्यान से देखो numerator denominator को. ये और ये बिल्कुल सेम है, just एक negative sign का फर्क है. So ये minus 1 आ रहा है. Very important thing, ये minus 1 आ रहा है. The sum of first and last term, the sum of first and last term turns out to be minus 1. हम लोग miscellaneous advanced levels problem discuss कर रहे हैं. हो सकता है आपसे पहली बार में ना हो, आपको क्वेश्चन का ट्रिक समझना है, वो मैनिपुलेशन समझना है. ठीक, तो इसका ट्रिक यही था कि फर्स्ट और लास्ट जो है वो कंबाइन होके कट पिट के माइनस वन हो जा रहे हैं. और क्यों नहीं, आपको ऐसा भी लगता कि सेकंड और सेकंड लास्ट के साथ भी ऐसा ही होता होगा. इफ यू रिपीट द सेम कैलकुलेशंस ऑन सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म, मोर और लेस यही होगा. फर्क क्या रहेगा? अल्फा 2, अल्फा 49, यहां पे अल्फा स्क्वायर, यहां पे अल्फा पावर 49. LCM लेंगे, सेम टाइप का रहेगा, फिर से ही अल्फा पावर 51 बनेगा. तो ओनली डिफरेंस विल बी जहां जहां अल्फा पावर 50 लिखा है वहां पे अल्फा पावर 49 हो जाएगा, जहां पे अल्फा पावर 1 लिखा है वहां पे अल्फा पावर 2 हो जाएगा. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट और 50 मल्टीप्लाई होके 51 बने थे, 2 और 49 भी मिलके 51 बनेंगे. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 3 एंड 48 भी मिलके 51 बनेंगे. So do the calculation on second, second last, third, third last, you will observe a pattern. तो इसका मतलब यह है, total number of terms were 50. We had 50 terms. ठीक, original question में हमको sigma लगाया था, 50 terms थी अपने पास. First और last की जोड़ी बनाई, minus 1 आया. Second, second last की जोड़ी बनाई, minus 1 आएगा. Third, third last की जोड़ी बनाएंगे, minus 1 आएगा. How many pairs are there? 25 pairs. And each pair will contribute minus 1. I am writing the final answer. You must have guessed it. Final answer kya raha hoga iska? Minus 25. This is the final answer. Final answer for second problem is minus 25. Kyun? 50 terms the, 25 pair bane, jodiyan 25 jodiyan bani, har jodi simplify hoke minus 1 answer de diye. So this is how you solve a complicated problems. Thoda sa aapko practice ki zarurat hai. Theek, we'll take some more problems, couple of more problems, and then we'll look over it. So let us continue our discussion. जो third problem है, ये binomial theorem chapter के कुछ बचे हुए problems हैं, जो हमने उस time पे जब binomial theorem पढ़ते हैं, तब हम लोग नहीं देते हैं, because ये दिखने में तो binomial theorem के सवाल हैं, but actually complex number से solve होते हैं. So आपने शायद इस type के problems encounter किए होंगे, और कहीं पे आप फंस भी गए होंगे, तो आज हम इस पे चर्चा करते हैं, ठीक? So these are problems of complex numbers, या आप कह सकते हैं these are problems of binomial theorem, which are solved actually using the concept of complex numbers. Complex numbers की मदद से solve होगा ये binomial series के सवाल. ये binomial coefficient से standard NCR means that factorial n upon factorial n minus r factorial r. So first problem से start करते हैं. First is the simplest easiest problem. आप लोग ये कर चुके हो. मैं फिर से यहाँ पे repeat इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको pattern दिखाना चाहता हूँ. ठीक, तो फर्स्ट प्रॉब्लम आप लोग कैसे सॉल्व करते थे याद कीजिए. हम लोग पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ए पार्ट, हम लोग स्टार्ट करते थे 1 plus x पावर n के एक्सपांशन से. व्हाट इज 1 plus x पावर n? इट इज nc0 plus nc1 x plus nc2 x square plus nc3 x cube एंड सो ऑन अप टू वेयर वी कैन राइट. तो हम लोग कहां तक लिखते हैं इसको? ncn x पावर n. ठीक, तो डॉट डॉट करके छोड़ दिया, मतलब डॉट डॉट करके छोड़ दिया, मतलब अगर इवन है तो ncn पे खत्म होगा, अगर ऑड है n, n अगर इवन है तो ncn पे खत्म होगा, n अगर ऑड है तो ncn minus 1 पे खत्म होगा. ये 0 2 4 जो है जो सफिक्स है वो इवन नंबर्स है. सो ये हम लोग लिखते जाएंगे. सो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, हम लोग एक बार x को 1 रखते थे तो हमें मिलता था 2 पावर n बराबर nc0 plus nc1 plus nc2 plus nc3. मैं डॉट डॉट करके छोड़ रहा हूं, ठीक, जहां तक भी लिखा जा सकता. फिर एक बार हम x को minus 1 रखते थे और यहां बनता था 0 पावर n और ये बन जाता था nc0 minus nc1 plus nc2 minus nc3 plus nc4 n. ये करते हुए तो what was the purpose? 1 और minus 1 रखने का purpose क्या था? कि alternate signs मिल जाती थी और हम जब इनको add करते थे, जब हम add करते थे तो ये मिल जाता था 2 पावर n. ये odd वाले cancel out हो जाते थे and we used to get 2 times of the required series. I repeat,
In the RHS, we will get two times the required series. तो हम लोग first part का answer क्या report करते थे? Answer of first part आप बोलेंगे 2 power n का आधा. मतलब ये 2 cross multiply हो जाएगा 2 power n divided by 2, that is 2 power n minus 1. This is the solution of first problem. ये आपको आता है. ये आपने सीखा है 11th class में binomial theorem chapter में. Now the point is, अब इसको थोड़ा generalize करते हैं हम लोग. ठीक? ये वाले type के questions आपने नहीं किए binomial में. Binomial में आपने शायद नहीं किए होंगे क्योंकि complex number involved हो जाता है. तो आइए अगर हम इसी को start करते हैं. The basic concept is same. हम लोग बेसिक्स वही लगाएंगे, बस फर्क ये है, देखो दो दो का गैप होता है ना, 0 टू 4 दो दो का गैप होता है, तो हम लोग स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी की मदद लेते हैं. 1 और -1 जो है वो क्या है? 1 और -1 ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर 1 होता है. z स्क्वायर बराबर 1, ये दोनों z स्क्वायर इक्वल टू 1 के सॉल्यूशंस है, isn't it? z पावर 2 इक्वल टू 1 के सॉल्यूशंस है. इसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं 3 3 का गैप, 0 3 6 9. तो जब 3-3 का गैप आएगा तो हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की तरफ जाना पड़ेगा. z क्यूब इक्वल टू 1, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका क्यूब 1 होता है. तो z क्यूब इक्वल टू 1 के क्या सॉल्यूशन होता है आप लोग बताइए? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. सो हम लोग एक बार x को 1 डालेंगे, कुछ ऐसी सीरीज मिलेगी हमें. फिर हम लोग क्या करेंगे पता है? हम लोग एक बार x की जगह ओमेगा डालेंगे. अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद ले रहे हैं, ठीक, x की जगह ओमेगा, बिकॉज़ दिस इज एन आइडेंटिटी, वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x, सो वी विल कीप x इक्वल टू ओमेगा. सो वी विल गेट, व्हाट वी विल गेट इज nc0, ठीक, इसको हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, nc0 प्लस nc1 ओमेगा प्लस nc2 ओमेगा स्क्वायर प्लस nc3 ओमेगा क्यूब. अब ओमेगा क्यूब जो है वो तो 1 ही है, ठीक, तो ये खत्म. एक तो टर्म और लिख लेते हैं, चलिए NC4, NC5, NC6 and so on, ऐसे चलता जाएगा. So, omega cube is 1, then NC4, omega power 4, now omega power 4 is actually omega power 1, फिर NC5, omega power 5 is omega square, then NC6 and so on, ये होता जाएगा, ठीक? So, क्या होगा इनके coefficients? Binomial coefficients के साथ क्या लिखा होगा? 1, omega, omega square, then 1, actually it is omega power 4, omega power 5, omega power 6, but omega cube 1 होता है, तो omega power 4 omega होता है, और omega power 5 omega power 2 होता है, तो एक pattern बनेगा, 1 omega omega square, 1 omega omega square, 1 omega omega square, ऐसे pattern will continue. Then we will also write one more term, हमको 3 बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 का gap चाहिए, so x equal to 1, x equal to omega, and x equal to omega square. So the concept is, if you want the gap of 3, you have to put the values of x equal to cube roots of unity. 3-3 के gap के लिए हमको ये 3 numbers put करने पड़ेंगे. क्या फायदा होता है इससे सोचिए. NC0, अब यहाँ पे x की जगह omega square. So this is NC1, omega power 2. यहाँ पे omega square डालने का मतलब NC2. यहाँ पे omega square डालने का मतलब omega power 4. Omega power 4 कितना होता है? तो एक बार लिख लेते हैं, चलो ओमेगा पावर 4, NC3 ओमेगा पावर 6, NC4 ओमेगा पावर 8, NC5 ओमेगा पावर 10, ऐसे चलता जाएगा. Now the point is, ये ओमेगा पावर 4 is ओमेगा, this is 1, this is ओमेगा पावर 2, this is ओमेगा पावर 1, तो पता है पैटर्न क्या? इसमें पैटर्न था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. इसमें पैटर्न थोड़ा सा रिवर्स हो गया है. यहां पे है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, बस वो पैटर्न रिवर्स हो गया है. तो उससे फायदा क्या होगा? व्हेन यू विल ऐड दीस 3 इक्वेशंस, LHS में तो आपको मिलेगा 2 पावर n 1 प्लस ओमेगा की पावर n 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर है. ये LHS है. थिंक अबाउट आरएचएस. ये तीनों टर्म्स ऐड हो गई, 3 टाइम्स ऑफ NC0. नाउ व्हाट अबाउट दीस टर्म्स? NC1 वाले टर्म्स क्या होगी? NC1 कॉमन निकल लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 0, तो NC1 आ गई, ठीक. NC2 के बारे में सोचते हैं. सो NC2 क्या होगा? NC2 होगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा. सो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, याद है हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 1 प्लस ओमेगा पावर r प्लस ओमेगा पावर 2r. इफ r इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ये एड अप होके 3 हो जाएंगे.
If R is not a multiple of 3, ये आपस में balance होके cut pit के 0 हो जाते हैं. So this is the use of the property कि जब हम लोग 3 के multiple पे नहीं हैं, when the suffix is not a multiple of 3, जो नीचे लिखा है ना NCR, में जो नीचे R लिखा है, अगर वो 3 का multiple नहीं है, ये आपस में balance होके कटेंगे. देखो ये कट गए 1 omega omega square, ये 1 omega square omega power 4 omega होता है, eventually add होके कट जाएंगे. Now the next one. NC3. अब क्या है, इधर एक्चुअली था 1, इधर था ओमेगा क्यूब, इधर था ओमेगा पावर 6, द सेम प्रॉपर्टी व्हिच आई वाज मेंशनिंग. सो वी विल गेट 3 टाइम्स ऑफ NC3. एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ दीस थिंग्स आर वर्किंग. द मल्टीपल ऑफ 3 आर सर्वाइविंग एंड the multiple which are not the multiples of 3 that are eventually adding up to 0. So this is the concept. So हमने पिछले वाले में क्या किया था, इसमें 1, इसमें x को 1 रखा, minus 1 रखा, add कर दिया. इसमें हमने रखा x को 1, omega square, add कर दिया. और इसको भी simplify करना बाकी है, अगर आपको समझ में आ रहा तो c वाला part भी कर लोगे, in fact आप in general कर लोगे, but हम लोग पहले complete करते हैं. क्यों, देखो you cannot leave it like this, आप answer को यहाँ पे नहीं छोड़ सकते. You cannot report answer like this. Why? Because this is a real problem. कहीं पे iota दिख रहा है क्या? कहीं पे omega दिख रहा है क्या? नहीं ना. ये तो अपनी understanding है complex numbers की. This is our concept या this is our process to solve the problem. We have introduced omega. We have introduced omega square. Question पूछने वाला, the person who is asking the question, he does not know what is omega square. He says या मैंने n की टर्म्स में क्वेश्चन पूछा है, आंसर शुड बी कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ n. सो हमें ये अभी सिंपलीफाई करना पड़ेगा. सो द फाइनल आंसर, द रिक्वायर्ड सीरीज इज दिस सम डिवाइडेड बाय 3. गेटिंग माय पॉइंट, दिस प्लस से डिवाइडेड बाय 3. तो हम लोग अब इसी पे फोकस करते हैं, तो इसको सिंपलीफाई करने में थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देते हैं. सो नाउ आवर फाइनल आंसर व्हिच वी वांट टू रिपोर्ट हैज टू बी समथिंग रिलेटेड टू दिस थिंग, 1 प्लस ओमेगा पावर n, 1 plus omega square power n whole divided by 3. This should be our final answer. Final to bolna galat hoga, but this should be the equivalent of our series. Jo B part mein apan series hai likhi hui hai, usko isse equate karna galat nahi hoga. Bilkul ye series iske barabar hai. Bas hum log aise report nahi kar sakte answer. So let us simplify it. How we will simplify it? 1 plus omega hota hai minus omega square. कैसे? The sum of roots is 0. 1 plus omega square is 0. 1 plus omega square होता है minus omega divided by 3. ठीक. अब negative को कैसे compensate करें? तो let us look over the diagram. क्या होता है भाई omega square का खेल, समझाओ मुझे. This is 1. 120 degree पे है omega. 240 degree पे है omega square. ठीक, this is the geometrical mean. Now what we want is minus omega square. So if this is omega square, this vector is omega square, the negative of this, the reverse of this, I think this should be minus omega square. Because the sum of these two vectors will be 0. इन दोनों vectors पे ऐसे है ना, NT में है, तो add up होके कट जाएंगे, तो वो minus omega square होगा. और minus omega का मतलब इसका उल्टा, ये वाला minus omega होगा. ये 6 pieces है, in fact हम कह सकते हैं this is 1, this is minus 1. Getting my point? 1, minus 1, omega, minus omega, omega square, minus omega square. पर इसको आप 6th root of unity बोल सकते हो. Z power 6 equal to 1 के 6 solutions हैं. ऐसा भी हम कह सकते हैं. Okay, now we will write it, what we will write is, these all angles are equal. ये सब angles equal हैं, तो मतलब ये 60 degrees होंगे. These all the angles will be 60 degrees. So we will write 2 power n. 60 degree का मतलब होता है, r e power iota theta. Isn't it? R e power iota theta. R का value 1 है, mod z equal to 1 circle पे हैं सब लोग. और angle है इतना. Then minus omega का मतलब है ये वाला number. ये number. So R e power iota theta. Theta कितना है इसका? Minus pi by 3 whole power n divided by 3. So R e power iota theta का notation is helpful. We will write 2 power n e power iota n pi by 3, and let us take one more step here itself. Ye likha hai
2 power n e power iota n pi by 3 plus e power minus iota n pi by 3. Euler's formula is used when we want to compute bigger powers. The nth power ko tackle karne ke liye hum log r e power iota theta ke format mein aaye. Now this thing is equal to 2 power n e power iota n pi by 3 kya hota hai cos n pi by 3 डी मॉर्गन थ्योरम प्लस आयोटा साइन एन पाई बाय थ्री ई पावर माइनस एन पाई बाय थ्री होता है कॉस माइनस एन पाई बाय थ्री या सिंपली माइनस हटा देते हैं माइनस आयोटा साइन एन पाई बाय थ्री रिमेंबर द बेसिक्स होल डिवाइड बाय थ्री सो माय फाइनल आंसर फॉर द बी पार्ट विल बी 2 पावर एन प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos n pi by 3 whole divided by 3. Correct? Getting the point? ऐसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्यों क्योंकि इसमें कोई आयोटा कोई ओमेगा नहीं है हमने सब कुछ रियल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है दिस शुड बी द फाइनल आंसर ऑफ अवर बी पार्ट सेकेंड पार्ट सी तो लुक ओवर इट मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हैं एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स हैं पहली बार में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप खुद से कर लें बट इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इस टाइप के प्रॉब्लम अगर आपको दोबारा नहीं मिलते हैं अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आपको दोबारा नहीं मिलते हैं तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हो सो नाउ आई विल से नाउ आई विल सजेस्ट यू आप लोग सी वाला प्रॉब्लम ट्राई कीजिए अगर आपको पैटर्न समझ में आ रहा है ना आप सी वाला प्रॉब्लम कर सकते हो देखो हो क्या रहा है अगर दो दो का गैप है तो x इक्वल टू वन x इक्वल टू माइनस वन एड कर दो तीन तीन का गैप है x इक्वल टू वन x इक्वल टू ओमेगा x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर तीनों को एड कर दो चार चार का गैप है तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी z पावर 4 इक्वल टू 1 क्या होता है आयोटा वाला सो इसमें क्या करेंगे x इक्वल टू 1 x इक्वल टू आयोटा x इक्वल टू आयोटा स्क्वायर x इक्वल टू आयोटा क्यूब ऐड कर दो चारों को पांच पांच का गैप होता तो पांच पांच का गैप होता तो फिर हम लोग फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में जाते उसमें हम लोग लिखते 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा पावर 4 पांचों को ऐड कर देते प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा होता बट स्टिल यू कैन सॉल्व इट तो आइए हम लोग सी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड लेट अस सी कैसे आंसर दिखता होगा एंड फाइनल आंसर में आप आयोटा नहीं लिख सकते यू कैन नॉट रिपोर्ट द फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा और आयोटा इट इज आवर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे यूज कर रहे हैं एक बाइनोमियल थ्योरम का सवाल सॉल्व करने के लिए करेक्ट सो क्या करेंगे हम लोग सी प्रॉब्लम में same start will be the same you will start with 1 plus x power n this is equal to nc0 nc1 x nc2 x square nc3 x cube kyunki mere ko nc4 tak jana hai to isliye main 3 4 terms likh raha hu nc4 x power 4 in fact nc5 x power 5 bhi likh lete hain nc6 x power 6 and so on ye chalta jayega now think about it char char ka gap chahiye to kya kya likhenge hum log x equal to 1 write the series x equal to iota, write the series. x equal to iota square, write the series. x equal to iota cube, write the series. समझ रहे हो? अगर अपने को तीन का गैप चाहिए था तो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर चार का गैप चाहिए वन आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब पांच का गैप चाहिए वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा पावर फोर जहां पे जो अल्फा है उसकी फिफ्थ पावर वन होगी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी छे छे का गैप चाहिए तो फिर अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा पावर सिक्स रूट ऑफ यूनिटी को अल्फा बोल दो इसी तरह सात का गैप आठ का गैप ग्यारह का गैप तेरह का गैप कुछ भी पूछा जा सकता है हालांकि पूछता नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट पॉइंट इज कि कॉन्सेप्ट ऐसे समझना है अपने को अच्छा नाउ बिकॉज वी नो इन हैंड कि आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है और आयोटा क्यूब माइनस आई होता है तो हम लोग यहीं से हम लोग सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे कैलकुलेशन को ईजी रखते हुए चलेंगे ठीक तो x इक्वल टू वन डालोगे तो क्या आएगा 2 पावर n बराबर nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 ऐसे चलता जाएगा ठीक हम लोग पांच छह टर्म्स लिख लेते हैं ताकि आपको पैटर्न समझ में आए राइट एटलीस्ट 4 5 टर्म्स सो दैट यू अंडरस्टैंड द पैटर्न 1 plus i पावर n व्हाट विल गेट इज nc0 nc1 के साथ iota nc2 के साथ iota square मींस -1
NC3 के साथ आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब मीन्स माइनस आई, NC4 इज एज इट इज, NC5 के साथ आयोटा, NC6 के साथ आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस वन, एंड ऐसे लिखते जाएंगे. What about minus 1? If we keep minus 1, we'll get 0. And here we'll get is NC0 minus NC1 plus NC2 minus NC3 plus NC4 minus NC5 plus NC6 and like this. If we keep minus iota, we will get 1 minus I power n. That is NC0 minus NC1 iota plus NC2 minus iota square. So minus iota square is actually minus 1. Then NC3 minus iota cube. Minus iota cube is minus iota cube is plus I. So we will get here plus I. Keep simplifying it. Aap saath saath simplify karte bhi chalo. NC4. Phir NC5 ke saath iota minus iota power 5 jo hoga, wo hoga negative of iota. माइनस NC5 आयोटा, सिक्स्थ पावर हो जाएगी, सिक्स्थ पावर होगी आयोटा पावर 6 इज माइनस 1, सो इट विल बी माइनस NC6 एंड सो ऑन. प्लीज फिगर आउट द कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस को आप समझिए कैसे चलती है. नाउ द पॉइंट इज वी विल ऐड देम. इफ वी विल ऐड देम, LHS में क्या मिलेगा, 2 पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा पावर n. RHS के बारे में सोचिए, थिंक अबाउट द RHS. दीज ऑल विल एड अप 4 टाइम्स ऑफ NC0. इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट, NC1 वाले देखो, NC1, थिंक ओवर इट. दीज टू विल गेट कैंसल आउट, दीज टू विल गेट कैंसल आउट, करेक्ट. NC1 नहीं बचेगा. थिंक अबाउट NC2, this and this will not cancel. Abhi these and these are adding, but these and these are also adding. Eventually all the four will be get cancelled out. Think about these NC3. ये इससे नहीं कटेगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया. Overall NC3 is vanished. ठीक. So somehow they will balance it out because of the properties of nth roots of unity. And NC4, these NC4 will be coming here, 4 times of NC4. So the point is, the concept is multiples of 4 will survive 4 times, and the numbers which are not the multiples of 4, they will get vanished out, all of them will add up to 0. So abhi question ka answer kaise report karenge, the required series, this is the required series, uska 4 times hai ye. Ab isme iota chupa hai, aise to answer report kar nahi sakte, so let us simplify it. To kaise simplify karenge, us pe hum thoda figure out karte hain, theek hai. हम लोग ऐसे आंसर को नहीं छोड़ सकते. अच्छा, फाइनल आंसर तो नहीं, तो एक इक्विवेलेंट आंसर क्या होगा, एक इक्विवेलेंट आंसर होगा 2 पावर n 1 प्लस आयोटा पावर n 1 माइनस आयोटा पावर n. दिस इज 4 टाइम्स द रिक्वायर्ड आंसर, सो डिवाइडेड बाय 4, ये 4 टाइम्स द रिक्वायर्ड सीरीज है. प्लीज करेक्ट, ठीक, दिस शुड बी आवर आंसर. अपने को इस पे फोकस करना है, तो अब इस पे फोकस करेंगे कैसे. हम लोग आयोटा के टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ सकते, तो लेट अस गेट बैक टू द डायग्राम, लेट अस गेट बैक टू द ज्योमेट्री. सो ये अपना वेक्टर है 1, 1, दिस इज 1, 1, 1 प्लस आयोटा इसको बोलते हैं, दिस इज 1, -1, सो दिस इज √2 मैग्नीट्यूड, पाई बाय 4 एंगल. सो कांट आई राइट इट लाइक दिस, हम लोग इसको पोलार कोऑर्डिनेट्स में लेके जाए अगर, तो हम लोग बोलेंगे 1 प्लस आयोटा इज r e पावर आयोटा थीटा, r e पावर आयोटा थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 है, r की वैल्यू √2 है. इसके लिए सेकंड वाले के लिए r e पावर आयोटा माइनस थीटा, मतलब माइनस पाई बाय 4, क्योंकि उसका r √2 है, एंगल माइनस पाई बाय 4 है, दिस थिंग होल डिवाइडेड बाय 4. सो वी कैन से दैट द आंसर शुड बी 2 पावर n प्लस √2 की पावर n इज कॉमन टू बोथ, √2 पावर n इज कॉमन टू बोथ, विल गेट e पावर आयोटा n पाई बाय 4 प्लस e पावर माइनस आयोटा n पाई बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 4, वो तो चल ही रहा है, ठीक, होल डिवाइडेड बाय 4 इज
common to all. So जैसे अभी लास्ट प्रॉब्लम में किया था बिल्कुल कुछ वैसे ही, ये हो जाएगा 2 पावर एन, दिस इज 2 पावर एन बाय 2 एंड दिस इज कॉस प्लस आयोटा साइन, दिस इज कॉस माइनस आयोटा साइन, इवेंचुअल इट इज 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ एन पाई बाय 4, इजंट इट, इजंट इट, क्या नहीं हुआ ये डिवाइड बाय 4, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ सी पार्ट. ऐसा हम लोग आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं, there's no iota, no omega in it. So this is how complex numbers is very 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 useful in solving problems of other algebraic chapters, that is binomial theorem या फिर geometrical problems कह दो, parabola, ellipse, hyperbola, कैसे भी कोई भी profile किसी भी तरीके का combination बन सकता है. All you need is a lot of practice. Complex numbers बिना practice के नहीं होगा. Basic concepts समझो, practice करो. And then you will get an edge over it, over the problems. You will get comfortable with the problems. Okay? Keep practicing. We'll discuss over it. So, theoretical part mein itna hi tha. All the concepts are covered deeply, in depth. So, please revise the videos.